वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया लेके आई हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि समर के ड्रेसेस आप किस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। और इसमें ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग के साथ भी है, और शर्ट और कुर्ते स्टाइल में भी मैंने इसमें डिज़ाइनिंग निकाले हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है व्यूअर्स, बिल्कुल भी नहीं आपने स्किप करना, क्योंकि गर्ल्स के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग लेके आई हूँ, जो कि आप इजीली स्टिच करवा भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। जिसको स्टिचिंग आती है उसके लिए तो और भी बेस्ट आइडिया है, क्योंकि वो इजीली अपने स्टिचिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोई डिज़ाइनिंग इतनी मुश्किल नहीं निकाली। इजीली डिज़ाइनिंग है, जो कि हर डेली रूटीन के हिसाब से भी वो बेस्ट डिज़ाइनिंग है ड्रेसेस की। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें मैंने प्लेन फैब्रिक की भी डिज़ाइनिंग निकाली है, डिजिटल प्रिंट के साथ भी फैब्रिक की डिज़ाइनिंग है, और इसमें डिज़ाइनिंग फुल डिज़ाइनिंग के साथ भी है, जैसे कुर्ते स्टाइल में पैंट शेप के साथ और जीन्स के साथ क्या डिज़ाइनिंग है, कि हम किस तरह के कुर्ते स्टाइल बनवा सकते हैं, और क्या कुर्ता पैंट शेप के साथ अगर ये डिज़ाइन देखें तो व्यूअर्स, ये बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है। इसमें अगर आप चाहें तो अपने गले पे, नेक पे किस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, और अपने बॉर्डर पर किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर चाहें तो व्यूअर्स, आप प्लेन फैब्रिक का फुल ड्रेस और डिजिटल प्रिंट आपके स्लीव्स लगाएं तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। तो व्यूअर्स, अगर आप कुर्ता स्टाइल में इस तरह का डिज़ाइन बना सकती हैं, जैसे कि साइड पे अगर आप अपने टसल्स वगैरह लगा लें, और ये डिज़ाइन भी बहुत आइडिया बहुत अच्छा है। इसमें व्यूअर्स, बेल बॉटम का ट्राउज़र तो मैंने बहुत एक दो ही होंगे, लेकिन पैंट शेप में ट्राउज़र ज़्यादातर मैंने इसमें निकाले हैं, जो कि आजकल गर्ल्स को पैंट शेप के ट्राउज़र पहनना बहुत पसंद है, तो वो इस तरह में कुर्ते स्टाइल आइडिया नहीं होता व्यूअर्स कि हम पैंट शेप के ट्राउज़र के साथ क्या डिज़ाइन पहने, क्या उसके साथ कलर्स करें या यूनिक कलर। ज़्यादातर मैंने इसमें व्यूअर्स लाइट कलर निकाले हैं, यूनिक से कलर है, इसमें डार्क कलर नहीं है, लाइटली से कलर है, जो कि समर में पहने हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें डार्क कलर नहीं है, बिल्कुल भी लाइट लाइट कलर है, क्योंकि हमें ज़्यादातर लाइट कलर का आइडिया नहीं होता कि हम लाइट कलर के साथ क्या आइडिया कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये शॉर्ट आप फ्रॉक के साथ आप क्या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जीन्स के साथ ये डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है व्यूअर्स। साइड पर आप किस तरह से ये आप यहाँ पर चुनर वगैरह घेर सकते हैं, डोरी का स्टाइल भी है, और इसमें सिंपल नेक का जो नेक पे काम है वो बिल्कुल ही सिंपल है, गोल गले पे आप सिंपली ओपन कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है डिज़ाइनिंग। और व्यूअर्स, आप पैंट शेप के साथ अगर आपके पास इस तरह के डिजिटल प्रिंट के शर्ट हैं, तो आप उसके साथ सिंपली इसी तरह के ड्रेसेस रखें। ज़्यादातर डिजिटल प्रिंट पे व्यूअर्स ज़्यादातर सिंपली काम होता है, ज़्यादा इस पर इतना वो नहीं लगाया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा आप टसल्स लगा लें, जैसे कि यहाँ पे टसल्स वगैरह लगे हुए हैं, और ट्राउज़र पे हाँ आप डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं इस तरह में, कि कुछ कट वगैरह की या कुछ लेस वगैरह की। अगर व्यूअर्स आपके पास एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं किया हुआ ट्राउज़र पर, तो आप चाहें तो उस पर आप लेस वगैरह लगा लें, जो कि आजकल मार्केट में बहुत अच्छी ज़बरदस्त लेस है, उन पर काम की हुई है, तो ऐसे ही लगता है कि अगर हम ट्राउज़र लगाए तो वो एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है ट्राउजर के ऊपर ही फैब्रिक पे। तो व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो ट्राउज़र आप दुपट्टे के ऊपर भी टसल्स वगैरह लगा सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स सिर्फ आप पल्लुओं पे चार टसल्स लगाएं, दो इस पल्लू पे, दो इस पल्लू पे बस। ज़्यादातर रूटीन में इसके हिसाब से डेली रूटीन पे देखें तो ड्रेसेस पे ज़्यादातर टसल्स सिर्फ दो ही अच्छे लगते हैं, दो इस पल्लू पे, दो इस पल्लू पे, और अगर चाहें तो आप बगैर उसके भी टसल्स के बिना भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें ट्राउज़र की ये डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी है व्यूअर्स, आप चाहें तो इसमें अपने शर्ट के साथ ट्राउज़र के जो साइड में कपड़ा बचता है तो उसकी डिज़ाइनिंग आप अपने ट्राउज़र पे कर सकती हैं, प्लेन भी लगा सकती हैं। अगर आप डिजिटल प्रिंट की लगाएंगी शर्ट की तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। लेस भी आजकल तो बारीक सी जो आ रही है, शीटर लेस जिसे कहते हैं, तो आप वो शीटर लेस भी लगा सकती हैं, वो भी प्लेट्स वगैरह डाल के, तो आप इस तरह की भी काम डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। व्यूअर्स, गोल दामन में बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग है, कि आप कुर्ता स्टाइल में नेक पे, ज़्यादातर हमें ये होता है जब हम गोल दामन की शर्ट बनाते हैं तो उसमें नेक पे हमें समझ नहीं आता कि क्या क्या हम बनाएं, क्या अच्छा लगेगा डिज़ाइन, तो इस पे ज़्यादातर व्यूअर्स या तो गोल गले पे होके ओपन अच्छा लगता है, या आप उस पर पट्टी वाला डिज़ाइन बना लें, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैंने इस तरह की भी डिज़ाइनिंग बनाई है, तो आपको ये भी डिज़ाइन ये दिखेंगे। डिजिटल प्रिंट के साथ ये है कि आप सिंपली अपने नेक के ऊपर टसल्स लगा लें, ये सिंपल भी बहुत अच्छा लगता है व्यूअर्स। पैंट शेप में आप ट्राउज़र है, डिजिटल प्रिंट का आपका ट्राउज़र है, डिजिटल प्रिंट का ही आपका दुपट्टा है, तो इसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। चाहे तो व्यूअर्स, ये देखिए, आपने ट्राउज़र पे भी अपने शर्ट के जो साइड पे जो कपड़ा बचता है तो आप वो ट्राउज़र पे भी लगा सकते हैं, चोरा चोरी स्टाइल में पट्टी लगा लें, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, कि डिज़ाइनिंग एक चेंज हो जाता है हमारा ड्रेस। हमें ज़्यादातर ये होता है व्यूअर्स कि हम अपना ड्रेस थोड़ा सा चेंज करें कि अच्छा लगे, पहना हुआ भी अच्छा लगे, और दूसरों को जो सामने वाला देख रहा हो उसको भी हमारा ड्रेस अच्छा लगे, तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करें।
आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वाली डिज़ाइनिंग, सिंपल भी बहुत अच्छी है डिज़ाइनिंग, ज़्यादा इतनी हैवी नहीं है व्यूवर्स, सिंपली आप कर सकती हैं इसको। और चाहें तो व्यूवर्स ये देखिए आप बिल्कुल प्लेन अपने दामन पे डिजिटल प्रिंट का ड्रेस है तो प्लेन फैब्रिक की आप बारीक से स्टाइल में रिबन स्टाइल में आप लगा लें, वो बहुत अच्छा डिज़ाइन है। तो व्यूवर्स आजकल तो पॉकेट्स के भी बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग आई हुई हैं, कुर्ता स्टाइल में पॉकेट्स बनाए बना लें आप अपनी कुर्ते में। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक दो डिज़ाइनिंग ही है कुर्तों की पॉकेट स्टाइल में, नहीं तो अगली वीडियो में आपको पॉकेट्स की डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी कई ड्रेसेस में, जो कि कुर्ता स्टाइल में शॉर्ट फ्रॉक के साथ भी है और शॉर्ट शर्ट के साथ भी है, और इसमें आप कुर्ता स्टाइल में भी बहुत अच्छी है, साइड पे लगा लें, फ्रंट पे लगा लें पॉकेट्स, हर जगह में ये डिज़ाइनिंग आपको मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगी पॉकेट्स की, क्योंकि मैं आपको इसमें भी आइडिया दे रही हूँ कि आप पॉकेट्स किस तरीके से लगवा सकते हैं आप इसमें, क्योंकि हमें पॉकेट्स का पता नहीं होता कि हम आजकल कोई कहाँ लगा रहा कोई कहीं, लेकिन सिंपल ये साइड पे और ये जो फ्रंट पे है वो मैं इसमें नहीं है पिक्स, लेकिन वो अगली वीडियो में आपको ज़रूर बनाऊंगी वो वाली वीडियो। और व्यूअर्स इसमें देखिए ये वाले जो प्लेन फैब्रिक का जो डिज़ाइन है, फुल प्लेन फैब्रिक का ड्रेस हो और डिजिटल प्रिंट के हमारे बाजू हों और डिजिटल प्रिंट का ही हमारा दुपट्टा हो, तो ये भी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ ड्रेस हमें। और इसमें व्यूअर्स ये देखिए नेक पे अगर आप चाहें तो इस तरह के टसल्स वगैरह भी लगवा सकते हैं डिज़ाइनिंग के तौर पर, ये भी अच्छे लगते हैं। दुपट्टों पे भी आप फुल अगर चाहें तो, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ दुपट्टों पे चार ही टसल्स अच्छे लगते हैं व्यूअर्स। आजकल तो ये भी है फैशन में कि आगे से शॉर्ट पीछे से लॉन्ग, कुछ इसमें ये डिज़ाइनिंग भी है कि आप ये चाहें तो शॉर्ट आगे से पीछे से लॉन्ग और पैंट शेप का ट्राउज़र कर लें, या सिंपल बेल बॉटम में ट्राउज़र कर लें आप, तो इसमें भी बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग लगती है, ये पहना हुआ भी ड्रेस बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो व्यूअर्स ये देखिए कुर्ता स्टाइल में ये भी बहुत अच्छी है कि आप साइड पे एक अपने प्लेन फैब्रिक की फुल शोल्डर से लेकर दामन तक ये पट्टियाँ लगाएं तो ये भी डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है प्लेन फैब्रिक में। डिजिटल प्रिंट का है तो आप प्लेन फैब्रिक लगाएं। और व्यूअर्स ये देखिए इसमें दामन का भी स्टाइल बहुत अच्छा है, ये देखिए कर्व स्टाइल में बहुत अच्छा दामन का डिज़ाइनिंग दी हुई है, दामन पे जैसे ये डिजिटल प्रिंट का ड्रेस है तो उसके ऊपर हमें समझ नहीं आता हम क्या डिज़ाइन करें, लेस वगैरह लगाएं तो हैवी लगेगा ड्रेस, तो आप उस पर कट्स वगैरह दे लें, दामन पे आप इस तरीके से कट्स वगैरह भी दे सकते हैं, और इस तरह में लेस वगैरह भी लगा सकती हैं आप। तो आई होप कि आपको मेरी जितनी भी यहाँ पे मैंने ड्रेसेस के बारे में आपको बताया है किस तरीके से आप स्टिच कर सकते हैं अपने ड्रेसेस को, तो आपको आई होप कि ये सभी ड्रेसेस पसंद आए हों और मेरा आइडिया भी बहुत अच्छा लगा हो आपको, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।